हाँ भाई चलो करते हैं करते हैं ना। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं, आता हूँ तुम्हारे पास अभी। एक्सक्यूज मी मैम जी, सिगरेट मिलेगी? वेलकम टू विदेश वाला सर, बिल्कुल मिलेगी सिगरेट हमारे पास। एक बार सिगरेट दीजिए। अरे इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ तो लिखी नहीं है सर? इस पे एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती, बट ये 6 मंथ्स तक आप यूज कर सकते हो। अच्छा ऐसा भी है जी? तो जो हमने बाहर से लिया दिखाने के बाद भाई, फिर इसका कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपायरी नहीं है? सर ये आपने लूज सिगरेट्स जो ली हैं, हाँ जी, बाहर खोके से ली होंगी मे भी। हाँ जी, ये बाहर खोके से लिया जी, इन पे एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती और ये मोस्टली एक्सपायर्ड ही होती है। अच्छा, अगर आपने फील किया होगा तो आपको इसको पीने के बाद कुछ अलग महसूस भी होगा, अलग टेस्ट था जो आप अब ये वाली सिगरेट ट्राई करो। बताओ ना मेरे को कि इसमें क्या सीन है, इसकी एक्सपायरी डेट है नहीं है जो आप सेल कर रहे हो? सर एक्सपायरी डेट पीछे से कंपनी नहीं देती। अच्छा कंपनी नहीं देती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर से। चलो कोई नहीं, एक बार आपसे बात करते हैं ना, एक बार आप मिलो, एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं जी। आओ एक बार भाई, मिलते आओ, बाहर आना ठीक है भाई? एक बार चलो दीपक भाई को फोन करो। नहीं आप बोलो थोड़ा चिल्ला के, आप बोलो ना दोबारा। मैंने आपसे नॉर्मल पूछा था ना, आप मेरे को बताओ एक्सपायरी नहीं है, आपका जवाब क्या था? पर मैंने आपको 3 महीने बात करो, बात करो, बात करो एक बार। अरे क्या लेके आए सर? मैं शॉप पे गया, मैंने इनको बोला एक सिगरेट की डब्बी दो। हाँ। इन्होंने मेरे को बोला दे रही हूँ अभी, इन्होंने मेरे को दी, तो मैंने इनसे पूछा एक्सपायरी डेट बताओ मेरे को। इनका बात करने का स्टाइल ही नहीं पता, ऊपर से इनको ये नहीं पता कि सिगरेट की डब्बी में एक्सपायरी डेट होती है नहीं होती। मेरा बात करने का स्टाइल क्या बात कर रहे हो आप? किस अरे तुम मेरे को सिखाओगे क्या? तो आप कहां पर आए हो, आप ये नहीं देख रहे? मैं कहीं पर भी आया हूं, पूछता हूं सर के पास आया हूं ना, मैं सर को गलत बोल रहा हूं, मैं तुम्हें गलत बोल रहा हूं। तो हो क्या रहा है भाई, बताया कभी? सर कुछ नहीं हो रहा, मैं बाहर से आया, मेरे को सिगरेट लेनी थी, ले ली। वो भी मैं पूछने के लिए आया था कि इनको नॉलेज है नहीं है एक्सपायरी डेट की, इनको पता ही नहीं कुछ, मेरे को बोल रहे लेनी है, ले वरना जाओ यहां से। पैसे दिए मैम? सर पैसे तब देता ना, तभी मेरे को वो बताती कि एक्सपायरी डेट है नहीं, इनको नॉलेज ही नहीं है सिगरेट के बारे में। क्या मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बताओ तुम बताओ। मार्केट में 2 तरीके की सिगरेट मिलती हैं, एक है आप जो आप स्टोर से लेते हो, इन पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती किसी भी सिगरेट पे, पर आप अगर स्टोर से लेते हो तो आपको हम बिल दे रहे हैं। अरे मैम बिल का क्या करूंगा मैं? सही तो कह रहा हूँ, बिफोर 6 मंथ हम आपको गारंटी दे रहे हैं ना, आप 6 महीने तक इसे यूज कर सकते हो, हमारे पास अंडर 6 मंथ की मैन्युफैक्चरिंग। ये मैं फोन खरीद के लेके आया हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ उसको, मेरे को बिल दे रहा है। आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी। सुनाओ सर क्या कह रही हूँ, हमारे पास 6 महीने के अंदर यूज होने वाले सिगरेट्स हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड अगर जनवरी में है तो 6 महीने बाद तक आप उन्हें यूज कर सकते हो, हम वही सिगरेट्स बेचते हैं और साथ में हम बिल भी दे रहे हैं। जब आप ये खोके वाले सिगरेट पियोगे तो खोके वाले सिगरेट से तो इनको कैंसर होगा। अच्छा इससे नहीं होगा? इससे कैंसर नहीं होगा सर? इससे भी होगा पर इससे बहुत जल्दी। अच्छा इससे नहीं होगा? अरे मैडम आप मेरे से मत अलझो, पता कौन हूँ मैं, जानते हो मेरे को? मैं नहीं जानती सर, मैं इन्हीं चीज को परवाज उठाता हूँ जो भारत में गलत चल रहा है, जैसे सर देश की रक्षा कर रहे हैं ना, मैं भी ऐसे लोगों को अवेयर करता हूँ। अरे खोके तो मैडम इससे भी हो रहा है कैंसर, तो इससे भी हो रहा है। पर इससे मैं तो जान बुझ के आया तुम्हारे पास, तुम इसे पता करने के लिए तुम बैठ गए 10 किलोमीटर स्टोर के अंदर। मैं तो सिगरेट नहीं पी रहा, मैं तो बात पता करने के लिए आया कि तुम्हें नॉलेज आया नहीं इस चीज की। अरे यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई? हेलो क्या है, क्या मछली बाजार है क्या? काम खड़े हो कहाँ नहीं खड़े कुछ पता ही नहीं है, अपनी हवा में हो। ठीक है समझ रहे हो मैडम, आप ऐसा नहीं चलता जैसा आप सोच रहे हो। तो ऐसे भी नहीं चलता ऐसे, आप कोई नहीं, आप सर से बात करो ना फिर यहाँ पर आके। तो मैं तो आई हूँ ना आपके कहने पे। हाँ फिर चलो करो आप सर से बात, या तो तुम कर लो या तो मैं कर लूँ आराम से। मैंने आपको उस टाइम भी समझाया और अभी भी आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखो मत मेरे को ऐसे, अकड़ कहीं और दिखाना, आप जैसे सिस्टम विस्टम सब देख रखा है मैंने। तो ठीक है इसका, अरे सर मानती नहीं है बात सर, ये क्या बात थी मैंने? मेरे को मत सिखाओ मैडम, समझ गए बहुत हो गया आपका मेरे को। खोके वाली सिगरेट पीता अरे पीऊंगा, मैं पीऊंगा अगर वहां से फीमेल से बोल के आए हैं बेचोगे, उल्टी बात कर रहे हो यहाँ पर। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी बात है, आराम से, मैं तो सिस्टम मुझे बात करने की तमीज नहीं है, बोलता हूँ क्या सर बोल रहा हूँ, अपना इंटरव्यू देखो। मतलब फीमेल है ठीक है समझ में आता है, कोई बात नहीं, बट आप सर इनको तो आपको अगर आप ये चीज जो सर मेरे को क्या बोलेंगे अगर आप ये चीज बोल ठीक करोगे आपसे। सर हमारे पास हमारे पास वो 6 मंथ अंदर आप यूज कर सकते हो, वही मैन्युफैक्चर्ड है। क्या है सिगरेट ये, इसे बेचते क्यों हो, पता है इसे क्या होता है? सर हमें बिल्कुल पता है। मैडम आप जैसे बहुत देखे हैं मैंने, बहुत पकड़े हैं, बहुत सिस्टम फाड़े हैं हमने मार्केट के अंदर, समझ गए? क्या कर लोगे नहीं, तो क्या कर लोगे? ओ अकड़न में दिखाना यहाँ पर, समझ गए? आराम से मेरे को मत दिखाना है, सिस्टम है जोगिंदर, पार्ट में चलाऊ मैं हमेशा सिस्टम, तेरा सिस्टम पार दूंगा। जब तू थैली में था ना, मैं पहली में था,
ये मेरे को मत दिखाओ ये करके, बहुत देखी मैंने ऐसी लड़कियां, समझ गए, थोड़ा अपना लिमिट में रखो। ऐसे मतलब क्या, तोड़ता हुआ तो लेना चाह रहा है, बड़ी हुई लकड़ी लेना चाह रहा है। सर मैंने इनसे आराम से पूछा, इनका भी तो फर्ज बनता है ना, क्या इशारा कर रहा है, उठा के अभी अवला आदमी दे दूंगा तेरे को, बना दूंगा तेरा सिस्टम। मैंने आपको इतनी सिंपल सी बात बताई कि हमारे स्टोर पर आपको सिगरेट मिलेगी, वो आफ्टर 6 मंथ मैन्युफैक्चर मिलती है, तो 6 महीने तक। आप मेरे को प्रूफ दिखाओ ना, आप दोबारा बहस कर रहे हो, आप मेरे को प्रूफ दिखाओ, सिगरेट के किसी भी डब्बे में एक्सपायरी नहीं मिलती है। फिर मेरे आते ना पब्लिक को बताया करो ना, अगर क्या करो, बेच के रहे आप इस चीज को, कैंसर इससे होना, अस्थमा इससे होना। सर मैं बिल्कुल वो बात आपकी मानती हूँ, उसे बेचना नहीं चाहिए, बट और धंधे कम है क्या, 1,00,000 चीजें बेचने की, आप क्यों नशे को प्रमोट करते हो। मैं तो तुम्हें पकड़ने के लिए आया था, करोड़ों जनता है जो सिगरेट पीती है, मैं तो दिखाना चाहता हूँ बड़ी वाली बात, जिम्मेदारी है कुछ या नहीं है। सर हमारी जिम्मेदारी बनती है, तभी तो मैंने नॉलेज दी, अगला तो ठीक काम कर रहा है, अगर अवेयरनेस ला रहा है, अवेयरनेस दी कि आप खोखे वाली सिगरेट को पी के जल्दी मरोगे और इस वाली सिगरेट को पी के। सर मैं तो जानबूझ के आया था, जैसे आप देश की सेवा करते हो, सर मैं भी लोगों को अवेयर करता हूँ, मैं तो जानबूझ के आया, भर रखा है सर, ये गांजा नहीं भर रखा सर, मैं जानबूझ के इसको बना के लेके आया हूँ, ताकि इनको पकड़ू मैं रंगे यहाँ पर आके, बना के लोगों को बताऊं। आपने देखा मेरे को पीते हुए, तो आप ही लेके आए हो मेरे को, मैं तो लेके आया हूँ, पीते हुए देखा आपने मेरे को, आप परचेज कर रहे हो सिगरेट, आप साथ लाए हो, और क्या सबूत चाहिए, परचेज करते हो, ओ बवंडर, हाथ दिखा, कराओ मेरा टेस्ट, लो सर, ये नहीं, ये दिखा, ये क्या है सर, देखो, अरे मैं अपनी निगाह से देखूंगा ना, नजर तो करता तू, सर किसने कह दिया सर आपको नशे करता हूँ, क्लियर तो दिख रहा है, क्या क्या कह दिया सर, आप टेस्ट करा लो सही कहीं पर भी, सर आप लड़की की साइड ले रहे हो सर, वो अलग चीज है, क्यों अभी धमकाया नहीं, सर आप मेरे टेस्ट करा लो, अगर थारा भाई जोगिंदर नशा करता हो मिल जाए सर, जो आप मेरे को सजा दोगे वो मैं सजा लूंगा, वरना सर आप मेरे को कोई धारा बता दो, यहाँ बैठ ले मैडम, आप जाओ अपना नाम नोट कराओ, नाम बताओ, नंबर बताओ, आपसे मैं करूंगा बात, ये बिल दो, हाँ ये सर दोनों सिगरेट भी आप रखो, इन्वेस्टिगेशन करना तब पता चलेगा, पता चल जाएगा, जाओ अब आप। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं सिगरेट पीना पूरी तरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको माउथ कैंसर, लंग कैंसर, अस्थमा, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन से आप लोग बचें, चाहे वो पैक्ड सिगरेट है या खुला सिगरेट है, इन चीज़ों को अपने जीवन में आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप ज़रूर करें। तो बात आती है भाई यार, ये कोई तरीका थोड़ी है, आप ऐसे मेरे सामने आप लड़की को आप इशारे कर रहे हो, मुंह बना रहे हो, भाई जी फोन को नीचे रख ले पहले, हाँ देखो सर मेरा काम ये है लोगों को अवेयर करना, मेरे को नहीं अवेयर करना, ठीक है आप मेरी बात सुनो, हाँ बताओ। कल मैं ऐसे रैंडमली घूम रहा था तो मैंने एक को सिगरेट पीते हुए देखा, तो उसने मेरे को बोला कि, मैंने उससे पूछा कि भाई एक्सपायरी डेट कब होती है, उसको नहीं पता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के एक बार जाके स्टोर में या शॉप पे पूछते हैं क्या क्या इनको नॉलेज है जो बेच रहे हैं, तो मैं रैंडम आराम से आया, मैंने इनसे पूछा, इनको पता ही नहीं, समझ रहे हो, तो मैंने बोला कि सर के पास चलो, मैं डायरेक्ट आपके पास इनको लेके आ गया, यहाँ पर आके आपने उनको डांटा, आपने हालांकि मेरे को भी बोला, बट वो है ना चिढ़ा रही थी, एक ऐसे होता है ना ये करती है लड़कियां, जब आप मेरे को डांट रहे थे तो मैंने इसलिए उनको बोला था कि ये क्या मेरे को करके दिखा, अगर अभी ऐसा करने पे ये चीज उनको हर्ट हो जाए या कोई चीजें, आपको पता है इस तरह के इशारे करना, ये सर मैं समझता हूँ सर, देखो मैं लड़की को रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया, बट मैं उसका रिप्लाई कर रहा था कि मेरे को ना ये करके मत दिखा, वो दिखा रही थी सर, मैंने उसको कुछ गलत तो बोला नहीं है। साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि IPC सेक्शन 354 के तहत किसी भी महिला की गरिमा को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना, उसकी मोडेसिटी को आउटरेज करना पूरी तरह गैरकानूनी है, अपराध है, जिसके लिए आपको मिनिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, और ये पूरी तरह नॉन वेलेबल है, तो आप महिला की गरिमा को किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंचाएं। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? जी सर समझ में आ गया जो आपने बोला है। चलिए तो मैं उम्मीद करूंगा आप ऐसी हरकतें ना करें। नहीं सर मैंने आज तक कभी नहीं की, बट मैं भी ये चाहता था कि पब्लिक को पता चले कि सिगरेट पीने से पहले अच्छी बात है पता करो कि आपकी एक्सपायर होती है नहीं होती, तो मैंने उनसे रैंडमली पूछ लिया। आप अवेयरनेस फैलाओ, बहुत अच्छी बात है आप करो, आप जैसे लोग सामने आएंगे तो चीजें बेहतर होंगी। हाँ जी सर। चलो घर क्या नाम है आपका? सर जोगिंदर यादव। जोगिंदर यादव। उम्र? सर 26। कहाँ रहते हो? सर मैं गुड़गांव, गुड़गांव स्टेट हरियाणा।
इसमें कंप्लेंट देना चाह रहे हो? सर कंप्लेंट क्या करनी, अब आपने उनको डांट दिया, मेरे हिसाब से वही बेस्ट है, क्योंकि एक बार सर मौका दिया जाना चाहिए, आपने मौका दिया तो सर क्या कंप्लेंट करनी। अब करते क्या हो जोगिंदर? सर कुछ नहीं सर, एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और सर सोशल मीडिया पे लोगों की मदद करता हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाता है। इस तरह अवेयरनेस फैलाते हो? सर मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा फुटपाथ पे कुछ गरीब लोग होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, जो रात को भूखे सोते हैं, सर उनकी मदद करना, लोगों को बोलना कि आप लोग भी मदद करो, कुछ चीज़ गलत हो रही है इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ को लोगों के सामने लेके आना कि भाई ये गलत हो रहा है, आप लोग सपोर्ट करो इस चीज़ को और ऐसी चीज़ मत करो। कब से कर रहे हो? सर मेरे को हो गए 3 साल सोशल मीडिया पे। उससे पहले? सर उससे पहले नॉर्मली वही सर सिक्योरिटी गार्ड था एक छोटा सा। अच्छा। हाँ जी सर, ऑटो ऑटो भी चलाता था। यार इतना मेरे ख्याल से आईफोन ले रखा है। ये तो सर बस मैंने अंगूठी भी है घड़ी भी है, तो एक्चुअली सर अब क्या है गार्ड वाला सिस्टम तो लगता नहीं। देखो सर 3 साल पहले था, बट अब तो ये हो गया कि सर भगवान की दुआ से चीज़ें अवेलेबल हो गई बड़े प्यार से, बट एक टाइम था कि कुछ नहीं था ना सर हमारे पास, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, पापा थे नहीं तब, 2 साल का था, एक्सपायर हो गया। अच्छा, फादर साहब नहीं है आपके? हाँ जी फादर नहीं है, तो मम्मी ने पूरा घर चलाया है। अच्छा। तो सर वो चीज़ें मैंने देखी है, वो गरीबी देखी है, वो वक्त देखा है कि एक टाइम पे ज़रूरत होती है हमें किसी की, रिश्तेदार मामा यार दोस्त कोई काम नहीं आता, तो सर लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। तो आज मेरे को अगर मौका मिला है ना कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 5 रुपये की मैं गरीब लोग की मदद कर देता हूँ। 10 ही रुपये कमाते हो क्या? सर वो तो बता रहा हूँ सर, जितना भी कमाए 50% लोगों में दे देता हूँ। कितना मतलब फिर भी क्या क्या कमा लेते हो? सर इतना कमा लेता हूँ कि मम्मी खुश है और जिनकी मैं मदद करता हूँ वो लोग खुश हो जाते हैं। नहीं फिर भी एक हल्का सा कोई फिगर कि भाई हाँ जोगिंदर इतना कमा रहा है। बस सर 4-5 iPhone महीने में ले ले भाई। 4-5 कितना? 1.5 लाख का तो आता होगा ये? सर ठीक आता है सर अभी। अच्छा अच्छा ये वाले जोगिंदर हो आप? हाँ जी सर, थारा भाई जोगिंदर। समझ गया भाई, आपका तो आपके तो एक दो सिग्नेचर है लोग, मैंने भी देखे हैं कई जगह रील्स में आप ऐसे करके कुछ पंच। हाँ सर पहले क्या करता था पंचे, जब मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ना, जब मेरा यही डायलॉग हिट हुआ था स्टार्टिंग में कि थारा भाई जोगिंदर आज इतनी खिचड़ी बांट देगा, तो सर वो हिट हो गई, लोगों ने उसी से मेरे को पहचाना। और सर जिस टाइम मैं हिट हुआ मार्केट के अंदर तो काफ़ी दोस्त थे जो मेरे साथ बने नए, बट सर जो कुछ पुराने दोस्त होते हैं ना जो स्टार्टिंग से अपने साथ रहते हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, और कुछ दोस्त थे हिट होने के बाद सर चिढ़ने लगे, कुछ साथ छोड़ के चले गए। ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ सर ये तो ह्यूमन नेचर है, लोगों का अलग अलग सोच है सर सबकी। अच्छा अभी सोशल मीडिया आप तो चला ही रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं तो समझ गया, आप पहचान गया मैं आप कौन हूँ। हाँ जी। तो अभी रिसेंट में ना 2-3 कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। अच्छा। जैसे अभी एक एल्विश यादव ने मैक्सटन को थप्पड़ मारा। अच्छा। और रजत दलाल राज। देखो सर एल्विश ने मैक्सटन को मारा, एक्चुअली मैक्सटन ने ना मेरे को भी रोस्ट मारा हुआ है, उसने मेरे ऊपर रील भी बनाई हुई है, तो ये गलत है। अगर हम किसी को आगे से पोक करें या किसी को रोस्ट मारे तो अच्छा नहीं है ना। तो जितना मेरे को सुनने में आया कि जब एल्विश बिग बॉस में था, मैं भी देख रहा था उस चीज़ों को कि ट्विटर पे मैक्सटन कुछ गलत गलत बोल रहा था, तो काफ़ी टाइम से पोक वोक कर रहा था सर। और फिर एल्विश की एक वीडियो देखी जिसके अंदर मैक्सटन के बारे में बताया, किसी ने ये बोला था कि तुम्हारे परिवार को जिंदा जला दूँगा, तो सर मेरे हिसाब से अगर मैं वहाँ पर होता तो सर मैं भी थप्पड़ ही मारता सर, फैमिली से बड़ा क्या है। अच्छा उसने इतना प्रोवोक किया, लेकिन वो तो ऐसा बच्चिया सा लड़का है बिल्कुल। सर कहते हैं ना जो पतले होते हैं ना वो माइंडेड ज़्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ उसको फेम चाहिए था सच में, वो चाहता था कि एल्विश मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सी करे, पर उसको ये नहीं पता था कि एल्विश उसको पीट के फेमस कर देगा, समझ रहे हो। अगर कोई आगे से किसी को पोक करता है, परिवार के बारे में बोलता है, सर हम कब तक सहन कर सकते हैं। अच्छा वो नेचुरल कंट्रोवर्सी थी। सर नेचुरल कंट्रोवर्सी थी, उसने पहले सर क्या, वो जो मैक्सटन था ना उसको तो पता था कि एल्विस आएगा मेरी वीडियो बनेगी कंटेंट बनेगा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, बट वो अलग हो गया, जो उसने वहाँ पर कैमरा वैमरा सेट किया था वो उसी पे उल्टा पड़ गया। साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान आपको किसी भी तरीके से थ्रेट देता है और आप उस थ्रेट को महसूस करते हैं तो ये पूरी तरह पनिशेबल है।
आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत आप इसके खिलाफ अपने निजी थाने में जाकर प्रॉपर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जिसमें कम से कम 2 साल तक की सजा के प्रावधान हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस तरह के थ्रेट से बचें, और ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ होता है तो निजी कानूनी सलाह सहायता जरूर लें। तो कभी ऐसा भी होता है कि जोगिंदर को भी ऐसी थ्रेट वेट आ जाती है? सर मेरे को तो आती रहती है। अरे वाह, हती रहती, फिर क्या करते हो, बंदूक बंदूक रखते हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं नहीं रखता बंदूक। तलाशी वलाशी कर लूं? कर लो सर। चाकू हो, ब्लेड हो? नहीं सर, मैं ये चीज़ नहीं रखता सर, मैं वो काम ही नहीं करता सर, मैं लोगों की मदद करता हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी नहीं लगती चीज़ें। हाँ तो वो काम करने भी क्यों है, कई बार मेरे हिसाब से खुद से ही ऐसी फेक न्यूज़ आप उड़ा देते हो। अभी पीछे एक न्यूज़ उड़ी कि जोगिंदर का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, जोगिंदर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, तो क्या था, मतलब पब्लिसिटी स्टंट था वो क्या? नहीं 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 सर, एक्चुअली सीन क्या है, मैं रोडी शो में जा रहा था और जैसे मैं रोडी शो के अंदर गया, शूट स्टार्ट हो गया, तो मेरे को शूट पे किसी ने बताया कि जोगिंदर भाई तेरी ना बाहर न्यूज़ चल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हो गया फॉर्चूनर से हाईवे पे। मैंने कहा यार ये कब हो गया, तो मैं, मेरे पास फ़ोन तो था ही नहीं, मैं किसको एक्सप्लेन करता ये चीज़ें, वहाँ पर फ़ोन वोन सब ना जमा हो जाते हैं, तो वो इतनी फैल गई लोगों के बीच में कि जोगिंदर का एक्सीडेंट हो गया। बट सर ये सब फेक था, मैं अपने शो में उसकी शूटिंग में बिजी था और 1-1.5 महीने तक रेगुलर मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि पब्लिक को बता सकूं कि भाई कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये सर जो भी था लोग वो ही था कि जोगिंदर को थोड़ा ना नेगेटिव में दिखाए, ऐसा था। लेकिन कंट्रोवर्सी तो क्रिएट है ना, आप करते ही रहते हो। देखो सर, कंट्रोवर्सी का ये है कि आज के टाइम में ना लोग जीने नहीं देते। अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, अगर आप अच्छा कमा रहे हो खा रहे हो, आपकी फैमिली खुश है, तो सर पड़ोसी रिश्तेदार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर चिढ़ना शुरू करते हैं, और सर वो चाहते हैं कि इनको ना बदनाम करो, क्योंकि सर वो इस लेवल पे तो जा नहीं सकते, तो टांग खींचते हैं, तो सर आगे से गलत बोलना, तो सर कब तक सहन करेंगे? एक इन्फ्लुएंसर हैं दीपक कलाल। अच्छा, दीपक कलाल का कहना है कि जोगिंदर का गॉडफादर मैं हूँ। अच्छा, उसको फेमस करने वाला मैं हूँ। अच्छा सर, तो ये कितना सच है? देखो सर, सच तो ये है कि फेमस तो आदमी अपने दम पे होता है जी, और सर मैं भी हुआ, बट सर दीपक कलाल का ये है कि वो मेरे साथ लाइव वगैरह जैसे आ गया, हमारी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, तो उसकी वजह से लोग मेरे को जानने लगे, तो कहीं ना सर मैं मानता हूँ यार ये चीज़ें कि हाँ भाई दीपक कलाल मेरे साथ जैसे हमारी कॉन्ट्रवर्सी हुई तो मैं, मेरे को मिला फेम उस चीज़ से दीपक लाल की उससे। बट वो जो चीज़ बोल रहे ना गॉड फादर मैं हूँ सर, वो चीज़ गलत है। गॉड फादर सर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है जिसको मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, अगर मैं 5 उंगलियाँ भी काउंट करूँ, इससे ज़्यादा तो अभी कंट्रोवर्सी है दीपक कलाल एल्विश के साथ, राजकुमार राव के साथ, चिंचलानी के साथ, हर्ष बेनीवाल के साथ, कैरी मिनाती के साथ, तो ये क्या स्टंट रहते हैं? देखो दीपक सर, सीन क्या है, जिस टाइम मैं मेहनत कर रहा था सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतने मेरे अच्छे फैमिली के यार दोस्त नहीं थे जो मैं अच्छे कपड़े पहन के वीडियो अपलोड करूं। सर मेरे पास जो हुआ करता था ना, मैं नॉर्मल वीडियो शूट करके डाला करता था, तो सर यूट्यूबर ने देखा मेरे को कि भाई ये क्या कर रहा है। सर मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, मैं किसी का फ़ोन लेके वीडियो बना के डालता था, तो इन्होंने देखा मेरा कंटेंट, तो सर वही है ना देश के अंदर, अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी गाड़ियाँ दिखा रहे हो, तो ही लोग आपको इज्जत देंगे। अगर आप एक गरीब घर से बैठ के झुकी का वीडियो बना रहे तो लोग हंसते हैं। इन्होंने मेरे को रोस्ट किया, इसमें एल्विश भी था, हर्ष बेनीवाल भी था, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, फुकरा इंसान, इन सब ने सर मेरे को रोस्ट किया। बट सर मेरे अंदर ना एक चीज़ है, अगर मैं जो चीज़ सही कर रहा हूँ फिर भी लोग अगर मेरे को रोस्ट कर रहे हैं, तो सर मैं ना ये सुनता नहीं हूँ, क्योंकि सर शुरू से ना मेरी मम्मी ने एक बात, रिएक्ट कर जाते हो? हाँ सर, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि सर जब पापा एक्सपायर हुए थे तो मम्मी ने संभाला है, और सर मम्मी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि बेटा कभी गलत काम मत करना, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो फिर भी लोग तुम्हें गलत बोल रहे हैं तो कभी ना पीठ दिखा के मत भागना वहाँ से, उनको जवाब देना। तो सर मैं जवाब दे देता हूँ, लोगों को लगता है कि जोगिंदर कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं। चलो इसमें छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। बोलो सर। इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में सबसे ज़्यादा आपको किसने रोस्ट किया? सर सबसे ज़्यादा मेरे को रोस्ट किसने किया? बहुत बड़ा आंसर। ट्रिगर इंसान ने, फुकरा इंसान ने। सबसे कम किसने रोस्ट किया? एल्विश यादव ने।
सबसे ज्यादा रोस्ट में आपको पब्लिसिटी किससे मिली? सर किसी से नहीं मिली सर, मेरे थ्रू इन लोगों को पब्लिसिटी मिली है। और सबसे ज्यादा रोस्ट में किसके साथ मजा आया कि हाँ ये सर, सर कोई लेवल का नहीं था, सब बच्चे थे, प्यारे थे सर। और सबसे ज्यादा पलट के धोने में किसको आपको मजा आया? ट्रिगर इंसान को और कैरी मिनाटी को, क्योंकि सर कैरी मिनाटी का बहुत नाम सुना है। अभी आपको क्या लगता है कि अभी कौन सा ऐसा रोस्टर है कि हाँ जिसको धोना बाकी है या वो आपको धोएगा? कोई नहीं सर लेवल पे। अच्छा। कैसे धो सकते हैं सर? अगर हम सही है, अगर हमें कोई गलत प्रूफ कर रहा है, हमें पता है हम सही है, तो सर हम क्यों झुके किसी सामने? अभी करंट सिनेरियो क्या है? ये सारे जितने भी रोस्टर हैं ये आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं या न्यूट्रल हैं? हाँ सर दोस्त है, मतलब दोस्त क्या, ठीक है सर, बढ़िया है, उनका अपना अलग चल रहा है, मेरा काम अपना अलग चल रहा है, बट ठीक है सर। वो एक टाइम था, हुई थी, उनको भूल गए, अब आगे बढ़ गए सर बहुत लाइफ से। चेहरे से मतलब मिलते हो, गले मिलते हो, दिल में कुछ है नहीं पता? अब सर मिलते हैं, यहाँ पर कहीं मिल गए तो मिल लिए लोगों से, अब वो नफरत ख़त्म कर दी सर। अच्छा, अभी एक वीडियो आपने बनाई थी रिसेंट, एक यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं तिजारा। अच्छा। कि तिजारा हमारे बीच नहीं रहे, घर छोड़कर भाग गए, कितना सच है? सर सच का क्या है कि मैं तिजारा, पुनी सुपरस्टार और एक अपना भाई विक्की ठाकुर, डोब भाई, पुनी सुपरस्टार पे भी आऊँगा। अच्छा। अपना भाई भी है डोब भाई, तो म्यूजिक व्यूजिक बना रहे थे स्टूडियो पे, तो मैं वहाँ से निकल के आया तो फ्लैट पे पहुँच गया। वहाँ जाकर पता चला कि तिजारा भाई फ्लैट पे नहीं है, उनके दोस्त कह रहे भाई जोगिंदर उनका अकाउंट डिलीट हो गया और वो फ्लैट पे नहीं है। मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लग रहा सर, फ़ोन स्विच ऑफ। फिर उनकी फैमिली का फ़ोन आ रहा है इनके पास कि भाई तिजारा से बात करनी है, उनका ना घर का काम चल रहा है, तो उनकी फैमिली भी परेशान। सर हमें 2-3 घंटे हो गए, दोस्त के पास फ़ोन किया तिजारा का, एक लड़के ने बताया उनके साथ रहता है कि भाई तिजारा है ना तब थोड़ा वैसा गुस्से में होता है, वो कुछ गलत करने के लिए सोचता है। तो सर मेरे को पता लगा, सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने सर वीडियो अपलोड की सोशल मीडिया पे कि तिजारा भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अकाउंट डिलीट हो गया तो तुम नया अकाउंट बनाओ। और मैंने वीडियो सर इसलिए अपलोड कर दी क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम रहते हुए अगर हम कुछ डिसीजन ले लें, क्या पता लोग देख ले तिजारा को कहीं पर और हमारे पास तक पहुँचा दे, उनकी फैमिली परेशान थी। तो सर ऐसा झूठ वूठ तो कुछ था ही नहीं उसमें। अच्छा, उसमें कोई झूठ नहीं था? नहीं सर। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस तरह की फेक न्यूज़ स्प्रेड करता है तो आईपीसी के एक्ट 195(1) के तहत ऐसा करते हुए पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने के प्रावधान है। तो इस तरह की फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने से बचें, अवेयर रहें। जोगिंदर, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि मैंने 2-3 करोड़ का घर ले लिया। ये किसने बोला सर? बड़ी बड़ी दिखा के डरा रहे हो क्या? अरे नहीं सर, थोड़ी बहुत गर्मी लगती है अब सर, थोड़ा आप तो सर सिस्टम हो, हमें तो सर समझना पड़ता है। चलिए, तो 2 करोड़ का घर मतलब क्या कहानी है 2 करोड़ की? सर 2 करोड़ का घर ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो स्कैम का बोल रहे जो लोग बोलते हैं जोगिंदर ने। नहीं नहीं, स्कैम पे तो आऊंगा। अच्छा, अभी तो अपना घर बनाया जोगिंदर सर। देखो वो सर मेहनत मेरी मम्मी का सपना था सर। हमारा घर इतना छोटा था, जब बारिश आती थी तो टपकता था वो, तो साइड में चारों तरफ जो पड़ोसी थे ना वो छत पे खड़े होकर देखते थे कि भाई इनके घर में पानी भरा हुआ है। और सर मेरी मम्मी ना बाल्टी लेकर पानी निकालती थी हमारे घर में, सर यहाँ तक पानी भर जाता था, और सर हम भी साथ में मिलकर बाल्टी से पानी निकालते। तो सर बस मम्मी का ये था कि मेरे को ना घर बनाना है। तो सर मेरे माइंड में तब से ये था कि मेरे को ऐसा घर बनाना है, मेरे आसपास के घर में जो लोग छत के ऊपर खड़े हुए देखते थे ना इनके घर में पानी भरा हुआ है, सबसे ऊपर फ्लोर पे मेरी मम्मी खड़ा होकर देखे नीचे कि सबके घर नीचे है। तो सर मैंने 5 मंजिला घर बनाया। 5 मंजिला? हाँ जी सर, 1.5-2 करोड़ तो सर लग गई होगी। 1.5-2 करोड़? हाँ, आपकी न्यूज़ वायरल हुई, 5 मंजिला घर आपने 2 करोड़ का बनाया। तो सर वो मैंने अपनी माँ के लिए बनाया था क्योंकि मेरे माँ का सपना था, मेरी माँ की आंखों में आंसू रहा करते थे और मैं ये चाहता था बस कि मेरी माँ खुश रहे, अपनी माँ के लिए बनाया था सर ये। रजिस्ट्री कराई, वाइट में पैसा दिया सब कुछ? किस प्रॉपर तरीके मकान आपने बनाया? सर वो ऐसे है ना, थोड़ा पैसा आया 2 लाख, फिर 3 लाख इधर से आया, 4 लाख, एकदम नहीं बनाना सर वो, धीरे धीरे, जैसे 2 फ्लोर बन गए 6 महीने में, फिर कुछ टाइम काम रुका, फिर दोबारा 2 फ्लोर बन गए, फिर काम रुका, फिर 1 फ्लोर बना। नहीं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने 2 करोड़ का घर बनाया। हाँ जी। तो आपकी 2 करोड़ का घर आप बना रहे हैं, 10 करोड़ की इनकम भी होगी, आपने टैक्स पे किया? सर अगर मेरी 10 करोड़ की इनकम होती
तो सर आज मैं पता नहीं कहां पर होता, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमता। हाँ खैर सही बात है ना, तो सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मेहनत जो करता गया पर मन थोड़ा बहुत आया, इधर से किया, दोस्तों से अरेंज किया, अपना बनाया सर, माँ का सपना पूरा करना था। हाँ तो मेहनत करने की जरूरत भी क्या है, पीछे अभी डोनेशन वाले केस में आपके ऊपर एलिगेशन लगे ही थे कि 2,09,00,000 रुपए जोगिंदर खा गया। अच्छा क्या कहानी थी, मतलब सच में खा लिया सर? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं सर, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अक्सर लोग मेरे से वाला क्वेश्चन पूछते हैं। सर एक बच्चा था जिसको SMA नाम की बीमारी थी, युद्धराक्ष नाम का, और सर वो लोग बहुत परेशान थे, इंजेक्शन की कीमत थी 18 करोड़ रुपए। 18 करोड़? हाँ जी, उन्होंने अजय देवगन, अक्षय कुमार, काफ़ी मतलब नाम नहीं पता मेरे को, और बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स से उन्होंने वीडियो बनवाई, उनके 6-7 लाख रुपये रेंज हो पाए। तो उनको पता चला कि एक थारा भाई जोगिंदर है, वो वीडियो बनाता है लोगों की मदद करते हुए। तो सर वो मेरे पास तक पहुँचे, तो सर मैंने रैंडमली वहाँ पर जाके वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड कर दी। तो सर वहाँ से फंड आया सर, 2-3 वीडियो अपलोड की, फंड आया काफ़ी। तो सर बाद में एक टाइम ऐसा पता चलता है मैं कि भाई हम जो बच्चे के लिए पैसा अरेंज करा रहे हैं ना, कोई NGO है बाहर की, उस NGO ने जिम्मेदारी ले लिया कि इस बच्चे का इलाज हम लोग कराएंगे। कुछ ड्रो निकालते हैं वो लोग इंडिया में कि 50-60 बच्चों का फ्री इलाज करेंगे इंडिया से निकाल लें। तो वो केस हाईलाइट हो गया था, युद्धराक्ष केस, तो सर उन्होंने युद्धराज को भी अपनी तरफ कर लिया फ्री में ही। तो सर हमने उनकी फैमिली से पूछा कि भाई ये जो पैसा हमने आपका अरेंज कराया, आपका तो फ्री में इलाज होगा, तो उस पैसे का क्या करें? तो उन्होंने बोला कि भाई पैसे को क्या करना है बताओ। तो सर मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दी कि भाई मैंने कोई फ्रॉड व्रोड नहीं किया, लोग कहने लगे थे, बात चल गई थी धीरे धीरे आसपास के लोकल एरियों में। तो सर मैंने वो चीज़ सोशल मीडिया अपलोड कर दी, भाई मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, जो पैसा आप लोगों ने दिया है इनके अकाउंट में गया, मेरा कोई अकाउंट नहीं था, उन्हीं लोगों का अकाउंट था, और वो पैसा जिस NGO ने इस लड़के की जिम्मेदारी ली थी उसी NGO को आधा वहाँ पर, और आधा एक इम्पैक्ट गुरु नाम की है जो लोगों की मदद करती है, वहाँ पर पैसा फंड होता है, उनको पैसा दे दिया सारा का सारा। अगर सर मैं 2,09,00,000 रुपए का कुछ फ्रॉड करता, आप ही सोचो क्या सर मैं नॉर्मल घूमता? अगर आज के टाइम में कोई 1,00,000 रुपए किसी से उधार ले ले या कोई फ्रॉड कर दे 1,00,000 का, तो आप जैसे सर हमको छोड़ेंगे? तो सर 2 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये तो सर लोगों ने माइंड में चीज़ बैठाई हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कहीं ना सोशल मीडिया पे जोगिंदर को देखा जाता है कंट्रोवर्सी किंग। हाँ जी सर, कि जहाँ थोड़ा सा मीटर डाउन हुआ वहाँ पर थारा भाई जोगिंदर आ गया। हाँ थारा भाई जोगिंदर आया और किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी कर दी और फिर से दोबारा से रीच बढ़ाई। और नहीं नहीं, नहीं सर देखो सर, रीच बढ़ाने वाली बात नहीं है सर, शुरू से ना मैं स्टैंड लेता हूँ चीज़ों का, जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ये गलत चल रही है तो सर मैं उसके ऊपर बोलता हूँ। मैटर नहीं करता कि कोई बॉलीवुड से है, कोई कौन से स्टेट से है, कितना बड़ा क्या है, अगर वो गलत कर रहा है तो सर मैं बोलता हूँ अपनी तरफ से कि भाई ये चीज़ गलत है। तो सर लोग मानते हैं कि जोगिंदर कंट्रोवर्सी करता है फेम के लिए, सर मेरे को फेम की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत लोगों का सपोर्ट है मेरे को, चाहे 1,000 लोग जानते हो या 10,000 लोग जानते हैं, बट सर वो मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं। नहीं एक तरफ आप बता रहे हो एल्विस से भी आपका मनमुटाव रहा। हाँ जी, फिर जब बिग बॉस में रहा तब आपने सपोर्ट किया, बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं, मतलब क्या है सर? देखो या तो दोस्त या दुश्मन। देखो सर एक टाइम दोस्ती भी होती है, एक टाइम लड़ाई भी होती है। तो सर दोस्ती उसे बोलते हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे। अगर हम बुरे वक्त में साथ नहीं खड़े दोस्त के तो सर हम दोस्त नहीं है, फिर हम गद्दार दोस्त है। अगर एक दोस्ती का नाता बनाना है ना तो ऐसा बनाओ कि हमारी पर्सनल लड़ाई है उस लड़ाई को भूल के बुरे वक्त में अपने दोस्त के साथ खड़े हो जाओ, तो सर उसे दोस्ती बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रिश्ते एक डोर की तरह होते हैं कि एक बार अगर वो टूट गए और उनको दोबारा जोड़ो तो उसमें गांठ तो रहती है? सर ये लगता है, बट सर उस गांठ को भी ना मिटाया जा सकता है। एल्विस का ये हुआ था कि मेरी उसकी कंट्रोवर्सी हुई 2-3 महीने रेगुलर, फिर मैं रोडीज में गया, मेरे को पता चला बाद में कि एल्विस ने कहा है कि अपना भाई है कोई नहीं सपोर्ट करना, फिर मैं बाहर आया रोडीज से, वो बिग बॉस में गया, तो सर मेरे को पता लगा कि भाई एल्विस बिग बॉस में गया है, अच्छी बात है, बड़े लेवल पहुंचा, तो सर मैंने उसको सपोर्ट किया क्योंकि सर वहाँ पर सपोर्ट बनती थी, एक तो सर अपने पास का ही है और सर अगर उसको उस टाइम अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो सर क्या फ़ायदा, सर लड़ाई को भूल के एक दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए सपोर्ट किया सर।
नहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि एलविश भी यादव है, आप भी यादव हैं। हाँ सर दोनों यादव हैं। एक ये बिरादरी वाला कार्ड और अभी मैक्सटन वाले झगड़े में भी आपने, देखो सर ये कार्ड कूड तो कोई नहीं खेलता, जो बात सच है सच्चाई के साथ खड़े रहो सर, हमेशा लास्ट में सच्चाई की जीत होती है। एलविस ने गलत नहीं किया, समझ रहे हो, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जोगिंदर है ना यादव है और एलविस यादव है इसलिए जोगिंदर एलविस को सपोर्ट करता है। नहीं सर, जहां पर मेरे को लगता है एलविस गलत है मैं बोलता हूं कि एलविस गलत है, जहां पर मेरे को लगता है कि एलविस सही है सर मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। सर मैटर नहीं करता कि उसने पीछे मेरे साथ क्या गलत किया है, मैटर ये करता है कि आज के टाइम में और इस वक्त बुरे वक्त में कौन सही है कौन गलत है, तो सर सही के साथ खड़ा हो जाता हूं। खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज, होगी पूछताछ, होगी पूछताछ, खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।